गुड मॉर्निंग। और आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से पालक का टेस्टी साग। और ये मैंने लहसुन और हरी मिर्ची को तड़के में डाल दिया है और अब इसको लाल होने देंगे। और उधर मैंने पालक के साग को काट कर और अच्छे से धो लिया है। हमारा तड़का लाल हो गया है और इसमें हम डालेंगे अब पालक का साग। उसके बाद हम डाल देंगे नमक और इसको ढककर छोड़ देंगे गलने तक। देखिए कितने अच्छे से मेरा साग अब बिना पानी डाले हुए ही गल के हो गया है तैयार। और अभी इसका पानी सूखेगा और तब इसको रोटी या चावल के साथ खाया जाएगा, तब इसका मज़ा आएगा। हमारा साग देखिए कितना बढ़िया से गल के और कितना कम हो गया है और बिना पानी के ही इतना ढेर सारा पानी से छूट कर और गल गया साग। और ये बिना मसाले की साग बहुत ही बढ़िया और टेस्टी लगती है, जो हमारे सेहत के लिए, आँखों के लिए, बाल के लिए, सभी कुछ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। देखिए हमारा साग का पानी पूरा अब ख़त्म हो गया है, सूख गया है। भूनते भूनते हमारे साग को अच्छे से मैश करते हुए और भून लिया है और अब इसे टेस्टी टेस्टी साग को चावल के साथ खाएंगे।